हेलो फ्रेंड्स, आप लोग एक नया केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं आज। मेरे पास एक बोर्ड आया है, G41 का है, पेगाट्रॉन G41 है। और इसका कॉम्पिटिबल जो बोर्ड है वो इंटेल का भी है, G41 DW। अभी इसमें जो प्रॉब्लम जो मैंने देखा गया है मेरे लिए, मेरे हिसाब से, वो आपको साथ में शेयर करने वाला हूँ। मेरे आगे के वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से डायग्नोसिस हो सकता है। इन सभी के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो आप देख सकते हो मेरा इसमें ये रिसेट लाइट जो है ये ऑन की ऑन रहती है, क्लॉक आ नहीं रही है, और 12 वोल्ट और 3.3 ऑक्सिलरी, ये दो लाइटें कॉन्स्टेंटली ऑन रहती है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, मैंने जब डायग्नोसिस करने बैठा तो जो प्रॉब्लम मुझे दिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला तो इस तरह का जो रिसेट की लाइट ऑन रहने का जो बेसिक रीज़न है वो एक तो है CPU, जो ये VRM सेक्शन जो है पूरा, इससे भी आता है, एक है IO से भी आता है, GMCH ख़राब होने पर भी ये रिसेट की लाइट ऑन हो जाती है, और ये साउथ ब्रिज अगर ख़राब हो गया हमारा या फिर ICH7 तो भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है। अभी जैसा आप देख सकते हो कि मेरी रिसेट की लाइट ही ऑन रहती है, हम उसको चेक करेंगे कोई कहाँ से प्रॉब्लम आया हुआ है। मैं अभी VRM, ये जो VRM सेक्शन है, CPU कंट्रोलर सेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, VRM या CPU कंट्रोलर सेक्शन बोल सकते हैं इसको, तो ये हमारा ये है टी गेट और ये है हमारा बी गेट। यहाँ पे हम लोग 12 वोल्ट का सप्लाई चेक करेंगे पहले। मेरे DSO पे आप देख सकते हो 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब इसके गेट पे चेक करेंगे हम लोग, ये इसका गेट है, मॉस्फेट का गेट। गेट पे आप देख सकते हो ऑसिलेशन हो रहा है। ये ऑसिलेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होगा, जैसा ही डेटा मिलता है गेट पे तो ये चालू हो जाता है फ्रीक्वेंसी। आगे इसके इसके लिए जानने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो मैं हम लोग देते हैं ट्रेनिंग, उसमें ये समझाया जाता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे डेवलप की जाए होती है मदरबोर्ड में, यही बताया जाता है। और दूसरा है, अभी इसका ये टी गेट हो गया और ये हमारा बी गेट है, बी गेट के गेट पे हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको CPU का सप्लाई बन रहा है वो दिख रहा है, मीन्स हमारा ऑसिलेशन हो रहा है। यहाँ ये हमारा आउटपुट कॉइल है, ये हमारी आउटपुट कॉइल है, यहाँ से हमको DC सप्लाई मिलेगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे DSO पे 1.09 वोल्टेज आ रहे हैं, मीन्स हमारी CPU VRM सेक्शन टोटली ओके है। अब हम जाते हैं दूसरा पॉइंट चेक करने, वो है रैम सेक्शन। कभी कभी ये प्रॉब्लम ही देखा गया है कि रैम सेक्शन जो है वो ये रही, यहाँ पे एक IC, ये एक इनपुट है, ये दो कॉइल, ये दो मॉस्फेट और एक कॉइल का यूज़ किया गया है, और उनको ड्राइव करवाने के लिए यहाँ पे एक IC यूज़ की गई है। ये रैम की IC, रैम की कंट्रोलर IC है, उसकी दो नंबर की पिन दो नंबर पे आप ऑसिलेशन देख सकते हो। और उसकी चार नंबर की पिन पे भी ऑसिलेशन मिलेगा। इस ऑसिलेशन के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा रैम का सप्लाई भी बन रहा है। रैम का जो आउटपुट सप्लाई है यहाँ पे आपको देख सकते हो, ये रैम का आउटपुट सप्लाई है, ये भी हमारा बन रहा है।
अभी हम जीएमसीएच की बात करते हैं, जीएमसीएच के जो पावर सर्किट है, जीएमसीएच आईसी है, मीन हम नॉर्थ बीच भी बोल सकते हैं, तो उसकी उसको सप्लाई देने के लिए ये एक आउटपुट कॉइल, ये अब उसकी इनपुट कॉइल और उसकी ये कंट्रोलर आईसी, ये तीन चीज़ों का यूज़ करके ये जीएमसीएच को पावर दिया जाता है। अगर जीएमसीएच का पावर अगर नहीं बन रहा है तो भी ये रिसेट की लाइट आपकी जो है वो ऑन रहेगी। जीएमसीएच में चेक कर लेते हैं, तो जीएमसीएच के कंट्रोलर के लिए यहाँ पे एक आईसी दी गई है, उसमें भी दो नंबर की पिन पे हमको चेक करना है। ये मैं दो नंबर की पिन पे आपको दिखा रहा हूँ, दो नंबर पे ऑसिलेशन हो रहा है। अभी चार नंबर पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, पिन नंबर फोर पे मैंने रखा हुआ है, पिन नंबर फोर पे भी हमारा ऑसिलेशन होना शुरू हो गया है। इसके कारण यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा। ये मैंने आउटपुट सेक्शन पे रखा हुआ है, ये जीएमसीएच का पावर आउट होने वाला है, डीसी वोल्ट आउट निकलने वाला है, 1.1 1.1 1.12 जितने आ रहे हैं। मीन्स हमारा जीएमसीएच भी का जो पावर सेक्शन है वो भी ओके है, फिर भी हमारी ये रिसेट की लाइट ऑन की ऑन रहती है। आईसीएच जो है ये वाला, ये भी ओके है, इसके कारण ये प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं इसमें। पर यहाँ पे हम लोग फिजिकली चेक कर सकते हैं, अगर हीटिंग ज़्यादा हो रहा है इसका तो भी ये ख़राब हो गई है, तो भी ये रिसेट की लाइट ऑन रहेगी आपकी। जैसा हमने डिस्कस किया आगे देखना वीडियो में मेरे कि हमारा थ्री क्लॉक सीपीयू वीआरएम ओके है, वीआरएम की सर्किट ओके है, रैम की सर्किट ओके है, जीएमसीएच की ओके है, आईसीएच की भी ओके है। अभी जो रह जाती है वो क्लॉक जनरेटर रह जाती है। तो क्लॉक जनरेटर में अगर प्रॉब्लम होता है, इस तरह का प्रॉब्लम क्लॉक जनरेटर के कारण भी होता है, तो वो मैं दिखाने वाला हूँ। क्लॉक जनरेटर में जो है वो बेसिकली क्लॉक जनरेटर सर्किट ये वाली है मेरी, जैसा कि आप देख सकते हैं CKU2, ये मेरा बोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कैमरे यहाँ पे जो लिखा हुआ है CKU2, उसका ही पोजीशन मैंने CKU2 मेरे बोर्ड स्कीमेटिक में भी दिखाया गया है। ये मेरा CKU2 है, ये पार्ट वाला मेरा CKU2 है जो यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक ड्राइंग में भी दिखाया है। CKU2 में जो चेक करने की पॉइंट है हमारा वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3.3 का VSB सप्लाई बनाया गया है, मीन्स हमारा 3.3 का सप्लाई हमारी यहाँ पे आना चाहिए, 3.3 का सप्लाई ये हमारा एक आना चाहिए और दूसरा एक 3.3 का सप्लाई यहाँ पे बनाया गया है। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग चेक करेंगे। ये पॉइंट बेसिकली कहाँ है वो देख लेते हैं। तो एक 40 नंबर पिन है और एक 2 नंबर की पिन है, हम यहाँ और 8 नंबर ग्राउंड है और 40 नंबर, ये सभी पिन है पे हमको 3.3 वोल्टेज मिलने चाहिए। फिर ये 12 नंबर है, 20 नंबर है, 25 नंबर है, 37 नंबर है, 41 नंबर है, ये सभी हमारी 3.3 की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो ये 3.3 की लाइन के साथ ही हमारा जुड़ी हुई है। ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हमारे हम ज्यादातर क्या चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई आ रहा है वो यहाँ पे हमारा आ रहा है या नहीं। अगर 2 नंबर की पिन पे आ रहा है तो बाकी की सभी जगह पे वो आता ही होगा। तो 2 नंबर की पिन पे जो कनेक्शन है वो यहाँ पे कॉइल दिखाई गई है, क्लॉक नंबर 1 CLK1, यहाँ पे कॉइल जो है वो कॉइल हमारी जो है वो यहाँ पे, ये रही हमारी कॉइल, ये हमारी कॉइल है। अब यहाँ पे कॉइल पे हम लोग चेक करने वाले हैं। क्लॉक पे हमारा वोल्टेज आ रहा है नहीं या नहीं वो आपको डीएसओ में देख सकते हैं मेरे, ये 3.3 का सप्लाई दिखा रहा है, ये 3.3 सप्लाई हमारा दिख रहा है। मीन्स हमारा वीसीसी जो इनपुट सप्लाई है वो हमारी ओके है। दूसरा चीज हमको चेक करना होता है वो है ये जो क्रिस्टल जो दिखाया गया है, क्रिस्टल के यहाँ पे इस दो पॉइंट पे
क्रिस्टल के इस पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे, ये पॉइंट पे, सॉरी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये दो पीएफ लगे हुए हैं। इस ये जो रेड डॉट दिखा रहा हूं मैं, यहां पे हमको आउटपुट ऑसिलेशन मिलेगा। तो यहां पे हम लोग चेक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे मेरे फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही है, ये वाली फ्रीक्वेंसी मेरी डेवलप हो रही है। और उसकी दूसरी तरफ भी चेक करते हैं तो यहां पे भी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही है 14 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी देख सकते हो आप। ये दिख रही है आपको फ्रीक्वेंसी 14.318। यहाँ पे भी वही फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रही है, मींस हमारा क्लॉक जनरेटर की ऑसिलेशन सेक्शन जो इंटरनल ऑसिलेशन सेक्शन है वो काम कर रहा है। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ई वाली जो पॉइंट पे हमने फ्रीक्वेंसी देखी और यहाँ पे भी हमने चेक किया, ये दोनों पॉइंट जो मैंने दिखाए वो यहाँ पे है, ये दो पॉइंट और ये दो पॉइंट जो है वो उसके ग्राउंड पॉइंट्स है, ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पे हमारे आईसी के साथ कम्युनिकेट करती है ये वाली दो पॉइंट्स। यहाँ पे 14 पॉइंट ये फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे वही फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है 14.318 का क्रिस्टल लगा हुआ है, यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमको ये फ्रीक्वेंसी हमको देखने मिल गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल रहा है मीन्स हम ये क्लॉक आईसी इंटरनली उसका ऑसिलेशन कर रही है। अभी दूसरे एक पॉइंट जो हमको चेक करना है वो आईओ के साथ है, इसकी जो आईओ है ये मेरा एक बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ O2U1, ये वाली एक आई सी, ये हमारी आईओ कंट्रोलर है, ये वाली हमारी आईओ कंट्रोलर है। O2U1 ये हमारी आईसी आ गई हमारी, यहाँ पे ये हमारी आईओ कंट्रोलर है, आईओ कंट्रोलर है, यू डब्ल्यू विनबॉर्न की आईसी है, W83627 DHGA ये हमारी आईओ कंट्रोलर है जो आप यहाँ पे मेरे पिक्चर में कैमरा में देख सकते हो। इसके अंदर क्या चेक करेंगे हम लोग, तो पहला एक जो चेक करने का पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो RSM रिसेट है, RSM रिसेट हैश, ये एक हमको पहले चेक करना होता है जो 75 नंबर की पिन पे है, तो 75 नंबर हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे। RSM रिसेट जो है वो यहाँ पे रजिस्टर के बाजू में लगा हुआ है, मीन्स हमारा इस पॉइंट पे है, ये जो रजिस्टर यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है वो ये रहा, इसकी दो नंबर की पिन पे चेक करना है हमको, यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे हमको RSM रिसेट चेक करना है। अभी हम चेक करेंगे RSM रिसेट आ रहा है या नहीं, 75 नंबर की पिन पे RSM रिसेट है, ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 3.3 वोल्ट आने चाहिए,
आरएसएम रिसेट मेरा देख सकते हो आप, 3.3 दिखा रहा है। ये 75 नंबर की पिन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, 3.3 हमको मिल रहा है, 3.3 यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हमारा आरएसएम रिसेट सर्किट ओके है। दूसरी एक सर्किट जो चेक करनी है वो यहाँ पे है, एक जो है यहाँ पे आईओ क्लॉक लिखा हुआ है। आईओ क्लॉक मीन्स आईओ को क्लॉक सिग्नल इनपुट होता है, जो क्लॉक जनरेटर आईसी में से निकलेगा, जो क्लॉक आएगी 48 मेगाहर्ट्ज एसआईओ को दिया जाता है, वो है हमारी 18 नंबर की पिन। ये 18 नंबर की पिन है, 18 नंबर की पिन यहां से स्टार्ट होती है, यहां पे आएगी। हम लोग पिन पे चेक करने के बजाय एक दूसरी जगह दिखाता हूं मैं आपको। इसका कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे हो रहा है, येलो मार्क दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे भी सी क्लॉक 48 एस आई ओ का कनेक्शन है। तो यहाँ पे उसका कनेक्शन है वो देख लेते हैं। ये मेरे बोर्ड व्यू में दिखा रहा हूँ, क्लॉक जनरेटर आईसी की यहाँ पे लोकेशन उसकी यहाँ पे दिखा रहा है। ये बड़ा एक रजिस्टर है जो यहाँ पे लोकेटेड है, उसके तीसरे नंबर पे, मीन्स यहाँ पे एक, ये एक बड़ा रजिस्टर, उसके बाजू में एक रजिस्टर और ये वाला, यहाँ पे हमको यहाँ पे हमको 48 मेगाहर्ट्ज का आईओ क्लॉक है यहाँ पे। आईओ क्लॉक चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, आईओ क्लॉक को मैं अभी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। मैंने अपना प्रॉब यहाँ पे रखा हुआ है, अभी इसको हम लोग डीएसओ में देख लेते हैं। डीएसओ में यहाँ पे कोई भी सिग्नल दिखा रहा नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी हमारी डेवलप नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारा आईओ को जो सिग्नल मिलना चाहिए क्लॉक जनरेटर से, ये आ रहा नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे, ये डायरेक्टली हमारी आईओ के साथ ही है, 18 नंबर की पिन आईओ की कम्युनिकेशन में है ये वाली पिन CK48SIO। इसको हम लोग जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे है उसकी, ये रहा। और इसकी दूसरी तरफ है वो क्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है, आर क्लॉक 48 यूएसबी के साथ जुड़ा हुआ है, मीन्स ये आईओ क्लॉक हमारी काम कर रही नहीं है। मीन्स हमको यहाँ पे बेसिकली 1.5 वोल्ट मिलने चाहिए, उसकी जगह पर यहाँ पे सिग्नल आ रहा नहीं है। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आपको दिखा रहा है नहीं है, यहाँ पे 1.5 वोल्ट आ रहे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो क्लॉक आईसी है वो खराब हो चुकी है, या फिर इंटरनली काम कर रही नहीं है, ये क्लॉक आईसी काम कर रही नहीं है। अभी हम इसको बदल के देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ये वाली आईसी अभी रिमूव कर ली है, अभी यहाँ उसकी जगह पे दूसरी आईसी बिठाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ये वाली आईओ कंट्रोल क्लॉक जनरेटर आईसी जो मैंने बदल दी है, और यहाँ पे मेरे 1.5 वोल्ट आने चाहिए इस रजिस्टर पे, यहाँ पे मैं जो पॉइंट दिखाया हुआ है यहाँ पे रजिस्टर पे वोल्टेज आने चाहिए। हम उसको भी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 1.5 वोल्ट आने शुरू हो गए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन हो रहा है। जैसा आप सुन सकते हो रैम की बीप्स आवाज करने शुरू कर दिया है। मैं अभी इसको पावर ऑन कर रहा हूं।
यहाँ पे मेरा कोडिंग आना शुरू हो गया है, रिसेट की लाइट यहाँ पे से चली गई है और क्लॉक की लाइट भी एक बार आके चली गई है। अभी यहाँ पे 3885 यहाँ पे डिस्प्ले आ गया है मेरा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा डिस्प्ले भी आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9408736640। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।